सो अभी हम होटल से चेकआउट करके कर्नाला बर्ड सेंचुरी जाने वाले हैं। सो वहाँ का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो बहुत टाइम बाद इस मॉनसून सीजन में हमें धूप देखने मिली है। काफ़ी दिनों से धूप ही नहीं देखी थी। कैसा लग रहा है धूप देख के तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी धूप आई है तो हमें कहीं और भी जाने को मिलेगा, बाहर बर्ड सेंचुरी भी कर लेंगे आज, क्योंकि बारिश होता तो आई थिंक पॉसिबल नहीं होता इतना घूमना, पर अभी जैसे धूप निकली हुई है तो हम आज ज़रूर जाएंगे। अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में बहुत सारी वैरायटीज है। यहाँ पे मिसल है, भुर्जी है, पपाया है, उपमा है और जूसेस है अलग अलग, और ब्रेड जैम भी दिया है उन्होंने। आप देख सकते हो तो नाश्ता तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम सोच रहे कि अभी कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि इतनी सारी वैरायटीज है तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कहाँ से स्टार्ट करें। तो नाश्ता काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आई थिंक टेस्ट में भी अच्छा होगा, तो खाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। सो अभी हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं। ब्रेकफास्ट लंच और डिनर से तो काफ़ी अच्छा था, मतलब बेटर ही था। कल हम रात को डिनर भी आए थे ट्राई करने के लिए, पर जैसे हमें लंच पसंद नहीं आया वैसे डिनर भी ओके ही लगा। फिर हमने फाइनली अलाकार्ट से ही फूड ऑर्डर किया था। अलाकार्ट का फूड अच्छा था। सो ओवरऑल अभी चारों हाइटी लंच डिनर और ब्रेकफास्ट ट्राई करने के बाद हम फूड को 2.5 ही रेट करेंगे। आप कितना रेट करोगे? हाँ 2.5 ठीक है। जैसे कि अभी ब्रेकफास्ट ट्राई किया, ब्रेकफास्ट अच्छा था। कल मैंने 2 रेटिंग दी थी क्योंकि मुझे लंच बिल्कुल पसंद नहीं था। डिनर का बफे भी हम देखने आए थे, जैसे कि गोपाल बोले खाना ओके ठीक ठाक ही था, उसके लिए हमें अलाकार्ट मंगाना पड़ा अलग से फिर से डिनर के लिए। ब्रेकफास्ट अच्छा था, मतलब वैराइटीज़ थी उसमें बहुत सारी, वेजिटेरियन भी था, एग भुर्जी था, बॉइल्ड एग भी था, मिसल पाव था, भुर्जी पाव था, ब्रेड बटर, जैम बटर, जैम ब्रेड और जूसेस भी थे। आई थिंक मौसम्बी जूस और टैंग था। जूसेस ओके थे, कॉफ़ी अच्छा था। सो हम अभी जा रहे हैं बर्ड सेंचुरी में, पर अभी थोड़ा बारिश स्टार्ट हुआ है तो हम थोड़ा रुके हुए हैं। जैसे ही एक बार बारिश थोड़ी रुक जाए हम सेंचुरी के लिए निकल जाएंगे, और वहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं और सब कैसा माहौल रहने वाला है वो सब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। सो कर्नाला बर्ड सेंचुरी विसावा रिसोर्ट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है, और यहाँ की जो एंट्री फ़ी है वो 60 रुपीज़ पर हेड है, और अगर आप बाइक या कार लाते हैं तो उसकी एंट्री फ़ी एक्स्ट्रा है। बर्ड सेंचुरी की एंट्री है, हमने ऑलरेडी टिकट ले लिया है, अब हम अंदर जाने वाले हैं। तो अभी हमने बर्ड सेंचुरी के अंदर एंट्री की है। आप देख सकते हो कितना मस्त रास्ता है चलने के लिए, भीड़ बहुत है यहाँ पे, पर हम आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी। आप देख सकते हो गोपाल इज टू मच एक्साइटेड टू गो इनसाइड। थोड़ा वॉक भी हो जाएगा अभी, नाश्ता भी ऑलरेडी कर लिया है हमने बहुत सारा। जैसे हमने आपको बोला था हमें नाश्ता बहुत पसंद आया तो हमने बहुत किया है। तो अभी हम थोड़ा चलते हैं और आगे मिलते हैं आपको। और एक बात, यहाँ पे बर्ड्स ऑफ कर्नाला है, कौन से बर्ड्स है उसके सब स्पीशीज के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी है ये मैप पे। तो यहाँ पे टोटल 172 इंडियन बर्ड्स के स्पीशीज है जो आपको यहाँ पे अंदर देखने मिलने वाले है। तो हम अंदर जाते हैं, जा रहे हैं। हमें यहाँ पे 172 इंडियन स्पीशीज है बर्ड्स के, पर हमें अभी पता नहीं अंदर हमें कितने देखने के लिए मिलने वाले हैं। हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा बर्ड है, और हम आपको वैसे वैसे बताएंगे अगर हमें कुछ पता चला तो। होपफुली एटलीस्ट 10 बर्ड्स तो दिख जाए, होपफुली। यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो अभी हम थोड़ा ट्रैकिंग कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं अगर कोई अच्छा सा बर्ड दिख जाए सो दैट उसकी थोड़ी फोटोग्राफी कर सके। होपफुली कोई अच्छा सा बर्ड दिखना चाहिए, कोई अलग से जात वाला बर्ड लाइक स्पीशीज। तो क्या है ना, थोड़ा अलग ही ऐसा लगता है, थोड़ा ऐसा एक्साइटिंग होता है थोड़ा, क्योंकि यूजुअली क्रोस तारों हम लोग देखते ही रहते हैं, पिकॉक भी देखा हुआ है।
कुछ अलग से जात वाला बर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज दिया है लोगों के लिए कि नेचर डजंट नीड पीपल, पीपल नीड नेचर। निसर्गाला आपली गरज नाही, आपल्याला निसर्गाची गरज आहे। अनफॉर्चुनेटली हमें ये पहला बर्ड केज के अंदर दिखने मिला। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं नेचर में दिखे, बट बारिश होने के कारण हमें केज में ही दिखने मिल रहा है। सो दूसरा बर्ड हमें देखने मिल रहा है वो है पैरेट। आई थिंक वो किसी को अपना मुंह दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है, वो अलग से एक कोने में जाके बैठा हुआ है। यहाँ पे हर जगह मोस्टली लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप कचरा ना फेंके। अगर आप कुछ खाने की चीजें ला रहे हैं तो प्लीज यहाँ पे कचरा ना करें। और यहाँ पे और एक चीज लिखी हुई है जो कि डू नॉट डिस्टर्ब द वाइल्ड लाइफ, डू नॉट हैव एनी ईटेबल्स ऑन बेंच। कर्नाला फोर्ट के लिए अगर आपको ट्रैकिंग करना है, अगर आपको ऊपर जाना है, यहाँ से 1.5-2 घंटा चलने में लगता है टिल कर्नाला फोर्ट। यहाँ से चालू होता है कर्नाला फोर्ट ट्रैकिंग की एंट्री। सीढ़ियाँ थोड़ी ऊपर नीचे है, आपको थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा जैसे आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो। तो अगर आप यूजुअली 4-star होटल में रहते हैं तो ये रिसॉर्ट शायद आपको इतना पसंद नहीं आएगा। अगर आप वो टिपिकल रेडिसन व्यू, हॉलीडे इन फॉरेस्ट क्लब ऐसे अगर रिसॉर्ट में रह चुके हैं तो शायद ये एक्सपेक्टेशन को आपकी हर्ट करेगा। ये रिसॉर्ट के जो प्राइसेस है 6,500 प्लस टैक्सेस, उसके हिसाब से ये रिसॉर्ट में जो खाना है, रूम है, बस हमको लगा था कि जैसे प्राइस है वैसे थोड़ा एटलीस्ट रूम भी होना चाहिए, खाना भी होना चाहिए। बस यहाँ पे एक वाटर पार्क इन्होंने इंक्लूड किया है, बाकी ऐसा कुछ लाइक ओवरऑल माहौल अच्छा है, पर जो रूम है और जो खाना है वो अच्छा नहीं लगा। तो एज पर द प्राइस इट्स लाइक रूम्स भी इतने ग्रेट नहीं हैं, रूम्स को एक्चुअली मेंटेनेंस की ज़रूरत है। रूम्स आर नॉट दैट क्लीन, मे बी हाइजीनिक होगी शायद बिकॉज बेड और ये सब तो क्लीन लग रहा है, बट ओवरऑल वॉल्स एंड बाथरूम वर नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन। सो आप चूज़ कर सकते हो, जब भी आप यहाँ पे विसावा रिसॉर्ट में आते हो, यू कैन लाइक टेक अ कॉल लाइक यू वांट टू गो फॉर अ बफे और यू वांट टू गो फॉर एन अलाकार। बिकॉज अगर बफे रहेगा तो आपको ये सब ऑप्शंस मिलेंगे, मे बी उस टाइम पे अलग ऑप्शंस रहेंगे, बट आई डिडंट लाइक द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ द फूड लाइक एज कंपेरिजन टू द वॉट आई वी हैड इन लाइक फॉरेस्ट क्लब रिसॉर्ट। सो आप सोच सकते हो एट दैट टाइम लाइक हाउ यू कैन गो, व्हाट यू कैन ऑप्ट। सो इस रिसॉर्ट का नेगेटिव पॉइंट यही है कि यहाँ से बाहर के लोगों को भी एंट्री दी जाती है। अगर ये सिर्फ इन हाउस गेस्ट को इसमें एंट्री दी जाती तो शायद क्राउड थोड़ा कम होता और थोड़ा इलाइट होता और मज़ा आता अगर सिर्फ इन हाउस गेस्ट के लिए होता। तो आई थिंक प्रॉपर्टी शुड थिंक अबाउट दिस। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने जाए तो हम इसे 3-star का ही रेटिंग देंगे, 3 out of 5। बट येस, होटल और बेटर कर सकता है अगर वो थोड़ा रूम मेंटेनेंस और क्वालिटी ऑफ फूड पे ध्यान दें, बिकॉज ओवरऑल ये जो पूरे की जगह है काफ़ी अच्छी है, ग्रीनरी से भरी हुई है, वाटर पार्क भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मेंटेन्ड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट अगर ये रूम मेंटेनेंस और इसके अलावा फूड क्वालिटी पे अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो मे बी और बेटर कर सकते हैं।